नमस्कार दोस्तों, आप सभी का शरीफ और यूपीएससी पीसीएस चैनल में स्वागत है। 70 बीपीएससी पीटी को लेकर हम लोग करंट अफेयर कर रहे थे, उसी का नेक्स्ट वीडियो होगा ये, जिसमें उसके आगे के करंट अफेयर हम लोग करेंगे। पीडीएफ आपको मिल जाता है टेलीग्राम चैनल पर। मैं आपको ये बोलूँगा कि एक बार वीडियो से करने के पश्चात आप पीडीएफ से रिवाइज करें। जब आप किसी चीज़ को सुनते और देखते हैं एक साथ, तो आपको वो ज़्यादा दिनों तक याद रहता है। पीडीएफ से अगर आप एक बार केवल पढ़ेंगे तो उसको आप ज़्यादा दिनों तक याद नहीं रख पाएंगे। देखिए आज का पहला सवाल क्या है। आज का पहला सवाल है कि हाल ही में लगभग 400 जैव विविधता प्रबंधन समिति अपनी जन जैव विविधता रजिस्ट्री को अद्यतन करने के लिए आगे आई हैं, वे किस राज्य से संबंधित हैं? किस राज्य में हाल ही में कम्युनिटी स्तर पर जैव विविधता को डेवलप करने के लिए 400 जैव विविधता प्रबंधन के लिए समिति बनाई गई थी? ये किस राज्य का न्यूज़ था जो मैंने बताया था आपको कि ये केरल में शुरू किया गया कि पंचायत स्तर पर हम जैव विविधता को अच्छे तरीके से मैनेज कर पाएँ। अगला सवाल है कि हाल ही में डिजिटल इंडिया पहल ने स्थापना कितने वर्ष पूरे किए हैं? डिजिटल इंडिया पहल शुरू किया गया था, डिजिटल इंडिया ये कब शुरू किया गया था? तो 9 वर्ष पहले 2015 में 1 जुलाई 2015 को लॉन्च किया गया था, 1 जुलाई 2015 को इसको लॉन्च किया गया था। अगला सवाल है कि कौन सा नया विनियमन सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 का स्थान लेगा? सूचना प्रौद्योगिकी एक्ट आईटी एक्ट पढ़ाया जाता है इसको, आईटी एक्ट आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, आईटी एक्ट 2000 ये भारत में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को लेकर सबसे बड़ा और सबसे पहला एक्ट था। इसके अंदर काफ़ी सारी शक्तियां शामिल थी, लेकिन हाल ही में बदलते समय के अनुसार ज़रूरतों के हिसाब से एक नया एक्ट बनाया गया, डिजिटल इंडिया एक्ट 2023 बनाया गया, जो आईटी एक्ट 2000 की जगह पर बनाया गया है। डीआईए 2023, डिजिटल इंडिया एक्ट 2023 का उद्देश्य पुराने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 को प्रतिस्थापित करना है, ताकि भारत बढ़ते इंटरनेट उपयोगकर्ता के आधार पर जो नई चुनौतियां सामने आ रही है उसको हम लोग डील कर सकें। इसीलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा, डीआईए एक्ट 2023, डिजिटल इंडिया एक्ट 2023। एंजेल टैक्स हाल चर्चा में रहता है, एंजेल टैक्स उसके बारे में सवाल पूछा गया है। यह एक प्रकार का संपत्ति कर है, क्या एक प्रकार का संपत्ति कर है? यह कर 30.6% की दर से लगाया जाता है जब कोई गैर सूचीबद्ध कंपनी किसी निवेशक को उसके उचित बाजार मूल्य से अधिक कीमत पर शेयर जारी करता है। तो क्या बोला गया है कि गैर सूचीबद्ध कंपनी किसी निवेशक को उसके उचित बाजार मूल्य है 100 रुपया से अधिक कीमत पर शेयर जारी करता है, 110 रुपया पर जारी किया, तो इस पर 30.6% का टैक्स लगाया जाएगा, ऐसा बोला गया इस स्टेटमेंट में। क्या ये सही लग रहा है आपको? एंजेल टैक्स केवल स्थानीय निवेशकों द्वारा किए गए निवेश पर लागू होता है। कौन सा कथन सही है? 50 का आंसर हो जाएगा बी, केवल दूसरा यहां पर सही दिया हुआ है, पहला और तीसरा यहां पर गलत दिया हुआ है। एंजल टैक्स एक आयकर है जो कि 30.6% की दर से लगाया जाता है जब कोई असूचीबद्ध कंपनी किसी निवेशक को उसके उचित बाजार मूल्य से अधिक कीमत पर शेयर जारी करता है, तो उस पर लगाया जाता है। यहां पर लिखा हुआ है गैर सूचीबद्ध, इसलिए दूसरा भी सही हो जाएगा, दूसरा केवल सही हो जाएगा। शुरुआत में एंजल टैक्स केवल स्थानीय निवेशकों द्वारा किए गए निवेश पर ही लागू होता था। वित्त अधिनियम 2023 में इस प्रावधान का विस्तार करके इसमें विदेशी निवेशकों को भी शामिल कर दिया गया है, तो इसीलिए केवल दूसरा कथन यहाँ पर सही है, पहला और तीसरा यहाँ पर गलत दिया हुआ है। हाल ही में केंद्र सरकार ने औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग की भूमिका का विस्तार किया है, यह क्या है? तो एक आंतरिक व्यापार का विभाग है, यह देश के अंतर्गत जो व्यापार होता है उसी को लेकर विभाग है, ये DIPP नाम है इसका, DIPP नाम है, औद्योगिक नीति संवर्धन विभाग है, ये आंतरिक व्यापार को लेकर काम करता है और इसी के लिए अभी भारत सरकार ने परिवर्तन किए हैं। अगला सवाल देखिए क्या है, उद्योग एवं आंतरिक व्यापार विभाग DPIIT में कौन से शुल्क शामिल होते हैं? कौन कौन से शामिल होता है? आंतरिक व्यापार को बढ़ावा देना, खुदरा निवेश को बढ़ावा देना, स्टार्टअप से संबंधित मामले, ये DPIIT के तहत में सारे मामले आते हैं क्या? इसका उत्तर हो जाएगा क्या, इसका उत्तर हो जाएगा डी, तीनों के तीनों कथन यहाँ पर सही दिए हुए हैं, ये सभी मामले DPIIT के तहत ही आते हैं। अगला सवाल है घड़ियाल के बारे में, वे एशियाई मगरमच्छ की एक प्रजाति है जो अपनी लंबी पतली थुथून के लिए विशिष्ट है। घड़ियाल को कभी आपने देखा है? उसके आगे इस प्रकार से निकला रहता है ना। अगला दिया हुआ है कि IUCN के तहत घड़ियाल असुरक्षित लिस्ट में शामिल है, असुरक्षित है, इसका उत्तर हो जाए केवल वन सही है, केवल वन सही है यहाँ पर। घड़ियाल जिन्हें कभी कभी गेवियल भी कहा जाता है, गेवियल भी कहा जाता है, लखनऊ में घड़ियालों के संरक्षण के लिए बड़ा सा बनाया गया है जगह है, उसके साथ साथ ये चंबल नदी के इलाकों में भी पाए जाते हैं, जो अपनी पतली लंबी पतली थुथून के लिए विशिष्ट है। मगरमच्छ सरीसृपों का एक समूह है जिसे मगरमच्छ
मगरमच्छ, कैमन आदि शामिल होते हैं। भारत मगरमच्छ की तीन प्रजातियां हैं, घड़ियाल मगरमच्छ और खारे पानी का मगरमच्छ होते हैं। एक है आपका गंभीर रूप से संकटग्रस्त, एक है संकटग्रस्त। घड़ियाल गंभीर रूप से संकटग्रस्त में आता है, मगरमच्छ संकटग्रस्त में आता है, वल्नरेबल में। और IUCN का जो लिस्ट है उसमें खारे पानी का जो मगरमच्छ है वो लीस्ट कंसर्न में आता है, कम चिंताजनक में शामिल है। और 1972 के परिशिष्ट वन में ये तीनों के तीनों जीव शामिल हैं, अर्थात इन जीवों को नुकसान पहुंचाना, शिकार करना, इनको मारना, यहाँ तक कि छूने पर भी आपको सजा हो सकती है। इसका उत्तर हो जाएगा, उत्तर दिया हुआ था केवल एक सही है यहाँ पर। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता पर बातचीत की है? इसका उत्तर हो जाएगा बी, बांग्लादेश के साथ बातचीत कर रहा है, लेकिन अब तो कोई और ही परिस्थिति उत्पन्न हो गई है। अगला सवाल है, राष्ट्रीय क्वांटम मिशन चर्चा में है, इसकी अवधि कितने वर्षों की होगी? तो 8 वर्षों की क्वांटम अवधि की अवधि है, 2023 से 2031 तक के लिए राष्ट्रीय क्वांटम मिशन। मैंने क्वांटम मिशन पर आप लोगों का उत्तर लेखन करवाया था, 71 के लिए जिनको उत्तर लेखन करना हो कृपया जुड़ सकते हैं। 70 BPSC के लिए जब उत्तर लेखन कर रहे थे तो साइंस एंड टेक में मैंने राष्ट्रीय क्वांटम मिशन और राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन, इन दोनों पर आंसर राइटिंग करवाया था, उसमें मैंने सवाल पूछा था। तो 8 वर्षों की अवधि है इसकी, 8 वर्षों के लिए वर्तमान में इस योजना को चलाया जा रहा है, बाद में इसका कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। इस मिशन के शुभारंभ के साथ भारत दुनिया के कुछ चुनिंदा देशों में है जो क्वांटम कंप्यूटिंग पर काम कर रहे हैं। क्वांटम कंप्यूटिंग जो कन्वेंशनल कंप्यूटिंग है उससे बिल्कुल ही अलग होता है। आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक सुपर कंप्यूटर, जो पारंपरिक जो कंप्यूटर है उसमें सबसे तेज कौन सा होता है? तो सुपर कंप्यूटर होता है। एक सुपर कंप्यूटर जितनी गणना, जितना कैलकुलेशन 100 वर्षों में करेगा, उतना एक क्वांटम कंप्यूटर कुछ सेकंड में करता है। अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि कितना तेज होगा क्वांटम कंप्यूटर, है ना। अगला सवाल है कि राष्ट्रीय क्वांटम मिशन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका लक्ष्य 8 वर्षों में 50 से 100 भौतिक क्यूबिट वाले मध्यम स्तर के क्वांटम कंप्यूटर विकसित करना होगा। इससे सटीक समय निर्धारण, संचार और नेविगेशन के लिए उच्च संवेदनशीलता वाले मैग्नोमीटर विकसित करने में मदद मिलेगी। इसका उत्तर हो जाएगा बी, केवल दूसरा यहाँ पर सही दिया हुआ है, दूसरा यहाँ पर सही दिया हुआ। पहला इसलिए गलत है क्योंकि इसका लक्ष्य 5 वर्षों में 50 से 100 भौतिक क्यूबसेट्स और 8 वर्षों में 50 से 1000 भौतिक क्यूबिट्स वाले मध्यम स्तर के क्वांटम कंप्यूटर विकसित करना होगा। 5 वर्षों का शुरुआत का लक्ष्य और 8 वर्षों का शुरुआत का लक्ष्य, ये अलग अलग है, कृपया इनको ध्यान में रखें। इंग्लिश हिंदी इधर इधर अलग हो गया है, अगले वाले PDF से आपको ये दिक्कत नहीं होगी। हालांकि PDF जब आप पढ़ेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होता होगा। स्मार्ट सिटी मिशन अपने विस्तार के कारण चर्चा में है, इसे कब लॉन्च किया गया था? स्मार्ट सिटी मिशन आपको पढ़ाया था मैंने, ये भारत में अद्वितीय प्रकार का एक झूठ है स्मार्ट सिटी के नाम पर। स्मार्ट सिटी मिशन कब लॉन्च किया गया था? 2015 में लॉन्च किया गया था। भागलपुर भी स्मार्ट सिटी में शामिल है, तो जो भागलपुर में रहते कृपया ज़रूर बताएं कि क्या क्या परिवर्तन उन्होंने अपने स्मार्ट सिटी में देखे हैं। 2015 में शुरू किया गया था, 2024 तक 2 बार इसकी समय सीमा बढ़ाई गई है। मिशन में 65,000 करोड़ रुपए की लागत आई है, 5,553 पूर्ण परियोजनाएं और 21,000 करोड़ रुपए की लागत से 921 चालू परियोजनाएं हैं अभी। और एक वर्षा में बेंगलोर जैसे बड़े शहर, दिल्ली जैसे बड़े शहर डूबने लग जाते हैं और स्मार्ट सिटी बना रहे हैं ये। ठीक है, कोई बात नहीं, बन सकता है, सही से इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। ठीक है, स्मार्ट सिटी मिशन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह 2015 में शुरू की गई केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, सेंट्रल सेक्टर होता है, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड होता है, दो योजनाएं होती हैं। कई बार ये शब्द बार बार आता है, केंद्रीय क्षेत्र और केंद्रीय द्वारा प्रायोजित। तो सेंट्रल सेक्टर जो स्कीम होता है उसमें 100% पैसा जो है वो केंद्र सरकार खर्चा करते हैं, बल्कि उसकी जगह पर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड जो होता है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड जो योजना होता है उसमें 60-40 का रेशियो होता है और विशेष राज्यों के लिए 90-10 का रेशियो होता है, 90-10 का होता है। ये रेशियो चेंज भी हो सकता है, कई बार चेंज भी होता है, लेकिन अक्सर 60-40 का और 90-10 का ही होता है। तो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड में दोनों लोग पैसा शेयर करते हैं, वहीं केंद्रीय क्षेत्रक में सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा खर्चा करती है। इसका उद्देश्य 100 शहरों के आवश्यक बुनियादी ढांचे को बदलना है ताकि जीवन की गुणवत्ता में सुधार किया जा सके, ऐसा कहा गया है यहाँ पर। 8 का उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा बी, केवल दूसरा यहाँ पर सही है, पहला गलत है। यह केंद्र प्रायोजित है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है, यानी कि इसमें 60-40 का रेशियो होगा, केंद्र सरकार 60 रुपया और राज्य सरकार 40 रुपया खर्चा करेंगे।
अगला सवाल देखिए क्या है, आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन OECD बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा संगठन है ये, की स्थापना कब हुई थी? तो 1961 ईस्वी में OECD की स्थापना किया गया था। OECD का स्थापना 1961 में हुआ था। वर्तमान में इसके सदस्य देश 35 हैं, मुख्य रूप से हाईली डेवलप्ड जो कंट्री है यूरोप के वही हैं। इसका मुख्यालय पेरिस फ्रांस में स्थित है। OECD का प्राथमिक उद्देश्य वैश्विक स्तर पर ऐसी नीतियों को बढ़ावा देना है जो दुनिया भर के लोगों को आर्थिक और सामाजिक भलाई में सुधार ला सकें। भारत इसका सदस्य नहीं है, भारत OECD का सदस्य नहीं है। अगला सवाल है, यूनेस्को विश्व धरोहर समिति सत्र की मेजबानी किस देश ने की है? तो ये भारत ने की है, भारत के दिल्ली में आयोजित हुआ था। किस देश ने तिब्बत समाधान अधिनियम पारित किया है? तो USA ने किया है। पिछली बार यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने अरुणाचल प्रदेश को भारत का क्षेत्र घोषित किया था, ये तो हमें पता ही था, इसके एक्ट की जरूरत थोड़ी नहीं थी हमें, तो अरुणाचल प्रदेश को किया था। तो वो 69 BPSC में एक सवाल पूछा गया था। तो हाल ही में तिब्बत समाधान अधिनियम ये किस देश ने लॉन्च किया है, किस देश ने एक्टिव लाया है इस चीज़ को? तो USA ने लाया है इसको। हाल ही अमेरिकी कांग्रेस ने तिब्बत चीन विवाद समाधान अधिनियम पारित किया, जिसे तिब्बत समाधान अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। विधेयक का उद्देश्य बिना किसी पूर्व शर्त के शांतिपूर्ण बातचीत के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के अनुसार तिब्बत चीन विवाद को शांतिपूर्ण ढंग से हल करवाना है। हालांकि भारत सरकार ने नेहरू जी के जमाने में तिब्बत को चीन का अंग मान लिया था। तिब्बत समाधान अधिनियम 2024 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तिब्बत के संबंध में अमेरिकी सरकार का यह पहला महत्वपूर्ण कदम है। इसका उद्देश्य तिब्बत पर अमेरिका स्थिति को मजबूत करना तथा दलाई लामा के साथ वार्ता फिर से शुरू करने के लिए चीन पर दबाव डालना है। दलाई लामा चीन के तिब्बत के आध्यात्मिक गुरु हैं और तिब्बत का निर्वासित सरकार, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, वो अपने देश के हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में रहते हैं, वहाँ के प्रधानमंत्री, वहाँ के राष्ट्राध्यक्ष वगैरह, और निर्वासित सरकार अभी चल रही है। देश वही है, सरकार कहीं और है। दिल्ली में भी आएंगे तो जगह जगह पर फ्री तिब्बत का आपको बोर्ड दिख जाएगा, वो भी इसी कारण से होता है। बी उत्तर हो जाए, केवल दूसरा यहाँ पर सही है। पहला महत्वपूर्ण कदम नहीं था, इससे पहले भी अमेरिकी कांग्रेस ने 2002 में भी 2020 में भी इसी तरह के अधिनियम पारित किए थे। हाल ही में बेरिल खबरों में था यह क्या है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, एक चक्रवात है, बेरिल चक्रवात है, इसका उत्तर ए हो जाएगा। जमैका समाचारों में था यह कहाँ है, तो ये अमेरिकी देश है, मध्य अमेरिकी देश है, दरअसल में ये सेंट्रल अमेरिकी देश है, सेंट्रल अमेरिकी देश है। बौद्ध धर्म में मुद्रा के बारे में निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए। मुद्राएं अलग अलग जो होती है पोजिशंस, मुद्राएं जिनको कहा जाता है, बौद्ध धर्म में बड़ा महत्व होता है इसका। जैसे मार, बुद्ध भगवान पलथी मार के बैठे हुए और एक हाथ से वो क्या कर रहे हैं, तो भूमि को स्पर्श कर रहे हैं, जो भूमि स्पर्श मुद्रा है उनकी, महापरिनिर्माण की मुद्रा है उनकी, अलग अलग बहुत सारी मुद्राएं हैं, तो उसके बारे में सवाल पूछा जाता है। मुद्राएं ध्यान के दौरान उपयोग किए जाने वाले हाथ के इशारे आसन हैं। अंजलि मुद्रा को शिक्षण मुद्रा या चर्चा मुद्रा के रूप में भी जाना जाता है। इसका उत्तर हो जाए केवल वन, यहाँ पर सही दिया हुआ है। बौद्ध धर्म मुद्राएं हाथ के इशारे आसन हैं जिनका उपयोग ध्यान व अन्य अभ्यासों के दौरान मन को केंद्रित करने, ऊर्जा को प्रवाहित करने और शिक्षाओं के साथ अपने संबंध को गहरा करने मदद करने के लिए किया जाता है। यहाँ बौद्ध धर्म में आमतौर पर इस्तेमाल की जाने कुछ मुद्राएं दी गई हैं, ध्यान मुद्रा, अंजलि मुद्रा और वितर्क मुद्रा दिया हुआ है यहाँ पर, आप तीनों को पढ़ सकते हैं। ध्यान मुद्रा में क्या होता है, हाथ को गोद में रखा जाता है, दाहिना हाथ बाएं हाथ के ऊपर होता है और एक अंगूठा दूसरे को स्पर्श कर रहा होता है, उसी को क्या कहा जाता है, ध्यान मुद्रा होता है ये। ओके, शहरी खनन समाचार में था यह क्या है, तो इसका उत्तर अपशिष्ट पदार्थ की प्रक्रिया है, ये अपशिष्ट पदार्थ के निपटाने की प्रक्रिया है। शहरी खनन शहर के अपशिष्ट पदार्थों को पुनः प्राप्त करना और पुनः उपयोग करने की प्रक्रिया है। इन सामग्रियों को इमारतों के बुनियादी ढांचे या उन उत्पादों से प्राप्त किया जाता है जो अप्रचलित हो गए हैं। उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना किस वर्ष शुरू किया गया था, उत्पादन प्रोडक्शन लिंक इनिशिएटिव कब शुरू किया गया था, 17 का आंसर क्या हो जाएगा, 2020 में शुरू किया गया है। उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। इसका उद्देश्य घरेलू विनिर्माण क्षमता को बढ़ाना है, साथ ही आयात प्रतिस्थापन और रोजगार सृजन को बढ़ावा देना है। इस योजना के तहत केवल घरेलू कंपनियों को ही वित्तीय लाभ मिलता है, केवल घरेलू कंपनियों को ही वित्तीय लाभ मिलता है, इसका उत्तर हो जाए केवल वन, यहाँ पर सही है। PLI योजना की परिकल्पना घरेलू विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ाना था। हमारे यहाँ पर सेवा सेक्टर काफ़ी अच्छा है, एग्रीकल्चर भी ठीक ठाक है,
लेकिन मैन्युफैक्चरिंग में भारत अपनी इकोनॉमी के हिसाब से कमज़ोर है। मैन्युफैक्चरिंग में चीन वर्ल्ड लीडर है, दुनिया का लगभग 50% मैन्युफैक्चरिंग अकेले कर लेता है वो। तो उसी मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए पहले मेक इन इंडिया लाया गया, लेकिन वो फेल हो गया। तो उसकी जगह पर अब कौन सा लाया गया, PLI स्कीम को लाया गया। पिछली बार 69 BPSC के प्रश्न पत्र में यहाँ से सवाल पूछे गए थे। 2020 से शुरू की गई योजना शुरुआत में 3 उद्योगों को लक्षित किया, मोबाइल और संबद्ध घटक के मोबाइल वगैरह के निर्माण को लेकर। भारत में मोबाइल फोन असेंबली दुनिया में सबसे ज़्यादा में से आ जाएगा हमारा कुछ दिनों में नाम। विद्युत घटक विनिर्माण को लेकर, चिकित्सा उपकरण को लेकर शुरुआत में काम कर रहा था, वर्तमान में 14 अलग अलग क्षेत्रों में इसका विस्तार कर दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय MSME दिवस कब मनाया जाता है, तो 27 जून को अंतर्राष्ट्रीय MSME दिवस मनाया जाता है, MSME दिवस मनाया जाता है। उद्यमी भारत MSME दिवस का आयोजन कहाँ पर किया गया है, तो एक हो जाएगा अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर नई दिल्ली, दिल्ली में है ये जगह, वहीं पर भारत सरकार के द्वारा उद्यमी भारत MSME दिवस का आयोजन किया गया, जो कब मनाया जाता है, तो 27 जून को मनाया जाता है, कृपया ध्यान रखें। समाधान पोर्टल किससे संबंधित है, तो MSME के विकास को लेकर माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज, इनके विकास से संबंधित है ये समाधान पोर्टल। भारत में MSME विनियम के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम मंत्रालय की स्थापना 2014 में हुआ है, MSME मंत्रालय बना है 2014 में। MSME का हमारे देश के एक्सपोर्ट में 40% के करीब में योगदान होता है, ठीक है। सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 MSME को प्रभावित करने वाले विभिन्न मुद्दों को संबोधित करता है। MSME वैश्विक कारोबार में 90% से अधिक का योगदान देते हैं। 22 का उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा सी, दूसरा और तीसरा यहाँ पर सही दिया हुआ है, दूसरा तीसरा सही दिया हुआ है, पहला गलत है। 2006 में MSME अधिनियम भी बना था और MSME मंत्रालय भी 2007 में बना दिया गया था, 2007 में बना दिया गया था। लघु उद्योग मंत्रालय, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय था अलग से, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय था, इन दोनों को मिला करके MSME मंत्रालय 2007 में बना। 2006 में बहुत बड़ा एक्ट बना था MSME के हिसाब से। अंतर्राष्ट्रीय MSME दिवस 2024 का विषय क्या है, इसका विषय था विभिन्न संकटों के समय में सतत विकास में तेजी लाना और गरीबी उन्मूलन के लिए सूक्ष्म लघु और मध्यम आकार के उद्यमों की शक्ति और लचीलेपन का लाभ उठाना, इतना बड़ा सा इसका रखा गया था थीम, इसका उत्तर ये हो जाएगा। अगला सवाल है बारबाडोस है, बारबाडोस क्या है, तो ये एक सेंट्रल अमेरिका का देश है, सेंट्रल अमेरिका का देश है। इस बार T20 वर्ल्ड कप जो हुआ है ना, मध्य अमेरिका और अमेरिका के कॉन्टिनेंट में हुआ है, इसलिए विशेष रूप से इसको पढ़ के रखिएगा। बारबाडोस की राजधानी कहाँ है, तो ये बी ब्रिज टाउन है इसकी राजधानी, ब्रिज टाउन है इसकी राजधानी। जनगणना सभी व्यक्तियों के जनसांख्यिकी आर्थिक व सामाजिक आंकड़ों के संग्रह संकलन विश्लेषण प्रसार की प्रक्रिया है, जनगणना की परिभाषा है पहले कथन में। भारतीय जनगणना 3 चरणों में आयोजित की जाती है। भारत में जनगणना को विनियमित करने के लिए संसद का कोई अधिनियम वर्तमान में मौजूद नहीं है, 3 कथन दिए हुए हैं, जरा तीनों को पढ़कर आप आंसर तो अंदाजा लगा ही सकते हैं। 26 को उत्तर हो जाएगा केवल 1 यहाँ पर सही है, दूसरा तीसरा यहाँ पर गलत दिया हुआ है। भारत में जनगणना 2 चरणों में आयोजित की जाती है, मकान गणना जनसंख्या गणना सब कुछ है। 1948 में इस चीज को लेकर एक्ट बनाया गया था। भारत में जनगणना संवैधानिक रूप से अनिवार्य है, लेकिन इसे हर दशक में कराने की कोई संवैधानिक या कानूनी आवश्यकता नहीं है, और इसी आवश्यकता की बाध्यता के नहीं होने के कारण से 2021 में जनगणना नहीं करवाया गया, जबकि इतने सारे जगहों पर इलेक्शन हुआ देश में, लेकिन जनगणना का कार्य नहीं करवाया गया और वर्तमान तक जनगणना नहीं हो पाया है। 2011 का ही जनगणना है अपने पास। भारत की पहली एक साथ जनगणना कब हुई थी, तो ये हो जाएगा बी 1881 ईस्वी में रिपन के समय में हुआ था, और 1881 के बाद से ये कंटिन्यूस 10-10 वर्षों पर चला आ रहा था, बस मोदी जी के समय में नहीं हो पाया। प्रोजेक्ट नेक्सस किस क्षेत्र से संबंधित है, तो ये सीमा पार भुगतान से जुड़ा हुआ है, सीमा पार भुगतान को लेकर जुड़ा हुआ था प्रोजेक्ट नेक्सस। प्रोजेक्ट नेक्सस के बारे में मेरे कथनों विचार कीजिए, इसमें त्वरित भुगतान प्रणालियों की उपलब्धता भी शामिल है। इसका उद्देश्य प्रेषक से प्राप्तकर्ता तक सीमा पार भुगतान को 60 सेकेंड के भीतर संभव बनाना है, इसका उत्तर हो जाएगा सी, बिल्कुल सही है। इसी को लेकर प्रोजेक्ट नेक्सस शुरू किया गया था, जिस प्रकार से देश के अंदर में हम लोग UPI के द्वारा 20 से 30 सेकेंड में अपना पेमेंट पूरा कर लेते हैं,
उसी प्रकार से सीमा पार से भी हम लोग आसानी से पेमेंट कर पाएँ, इसी को लेकर प्रोजेक्ट नेक्सस की शुरुआत की गई है। नेक्सस शब्द पढ़ने में आपको बड़ा ही निगेटिव लग रहा होगा कि नेक्सस है एक, लेकिन ये बड़ा ही सार्थक सा शब्द है, सही शब्द है। आज 70 से ज़्यादा देशों में घरेलू भुगतान कुछ ही सेकेंड में अपने गंतव्य तक पहुँच जाते हैं और प्रेषक या प्राप्तकर्ता को इस पर कोई खर्च नहीं करना पड़ता। यह त्वरित भुगतान प्रणाली की बढ़ती उपलब्धता कारण संभव हुआ है। इन IPS को आपस में जोड़ने से प्रेषक से प्राप्तकर्ता तक 60 सेकंड से भी कम समय में भुगतान हो जाता है। नेक्सस अगले चरण में सिंगापुर, मलेशिया और उत्तर पूर्व के जो देश हैं, दक्षिण पूर्व एशिया के जो देश हैं, उनको जोड़ा जाएगा। हाल ही में गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड ने किस देश के साथ समझौता किया है? गार्डन रिच कहाँ पर है? तो कोलकाता में है। ये नेवी के लिए शिप वगैरह बनाती है। ये बांग्लादेश के साथ इन्होंने समझौता किया था। इसका उत्तर सी हो जाएगा। गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड का मुख्यालय है कहाँ पर है? तो कोलकाता में है। ये बहुत पुराने पुराने बहुत सारे शिप बनाए हैं भारत सरकार के लिए। इसने डीप वेन स्टिमुलेशन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक न्यूरोलॉजिकल प्रक्रिया है जिसमें न्यूरो स्टिमुलेटर चिकित्सा उपकरण का उपयोग किया जाता है। यह मस्तिष्क पेसमेकर से काफ़ी अलग है। मस्तिष्क में प्रत्यारोपी इलेक्ट्रोड के माध्यम से उत्पन्न विद्युत आवेगों का उपयोग और सामान्य मस्तिष्क गतिविधि को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। 69 BPSC का पेपर देखिए। आज भी मैंने सुबह सुबह साइंस का सवाल जो हल करवाया, उसमें इसी प्रकार के लंबे लंबे कथन वाले आपको 4-5 सवाल दिखेंगे। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? डीप ब्रेन स्टिमुलेशन चर्चा में रहा है, साइंस एंड टेक का है। इसका उत्तर हो जाएगा पहला और तीसरा, यहाँ पर सही दिया हुआ है, दूसरा गलत दिया हुआ है। डीप ब्रेन स्टिमुलेशन एक न्यूरोलॉजिकल प्रक्रिया है। इसको ब्रेन का पेसमेकर भी कहा जाता है अन्य प्रचलित शब्दों में। अगला सवाल है, भारतीय दंड संहिता भारत की आधिकारिक आपराधिक संहिता है जिसे 1860 में तैयार किया गया था। प्रथम विधि आयोग की स्थापना 1861 में हुई है। 1861 में हुआ है क्या? भारत में भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1861 में पारित किया गया था। इसका उत्तर हो जाए केवल 1, यहाँ पर सही है, दूसरा तीसरा गलत दिया हुआ है। भारत दंड संहिता भारत की आधिकारिक आपराधिक संहिता है। चार्टर अधिनियम 1833 के तहत 1834 में मैकाले के द्वारा, मैकाले अध्यक्षता किसका कर रहा था? तो प्रथम विधि आयोग की अध्यक्षता कर रहा था। 1860 में इसको तैयार किया गया। दंड प्रक्रिया संहिता ये 1973 में अधिनियमित किया गया और साक्ष्य अधिनियम 1872 में लागू किया गया था और इन सभी को 2023 से बदल दिया गया। भारतीय न्यायिक संहिता 2023 में प्रस्तावित परिवर्तनों पर विचार कीजिए। जिसको भारतीय न्यायिक संहिता BNS कहा जाता है, उसके बारे में आपने शायद ही कहीं पर MCQ लगाया हो, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। 3 स्टेटमेंट हैं, जरा कीजिए इसको। इसमें शादी का झूठा वादा करने वाले महिलाओं के साथ यौन संबंध बनाने पर 12 साल के कैद का प्रस्ताव है। विधेयक में आरोप पत्र दाखिल करने के लिए अधिकतम 180 दिनों की सीमा का प्रावधान किया गया है। विधेयक के विशिष्ट अपराधों के लिए दंड के रूप में सामुदायिक सेवा का प्रावधान किया गया है। मतलब कि दंड के रूप में जेल था पहले, पैसा था, जुर्माना था, अब सामुदायिक सेवा भी हो जाएगा। हो सकता है आपको कोई सेवा करने के लिए कोर्ट कह दे। 34 कैंसर हो जाएगा सी, दूसरा तीसरा यहाँ पर सही है, पहला गलत है। विधेयक में कई सारे चीज़ों के बारे में बताया गया है, और 10 वर्ष के कारावास का है। इस विवाह का झूठा कर वादा करने वाले महिलाओं के साथ यौन संबंध बनाने पर 10 वर्ष के कारावास का प्रस्ताव रखा गया है। कारागार मिलेगा आपको 10 साल का, ऊपर 12 साल मैंने लिख दिया था। 10 है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इस प्रकार से याद रखिएगा, 10 वर्ष है, ठीक है, याद रखिएगा इसको। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 से प्रस्तावित परिवर्तन पर विचार कीजिए, मत कीजिए इस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। अगला सवाल देखते हैं क्या है। अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए। वोहरा समिति 1993, मलिमत समिति 2004, माधव मेनन समिति 2007, गलत जोड़ा कौन सा इसमें से? तो दूसरा यहाँ पर है, मलिमत समिति 2004 गलत दिया हुआ है। वोहरा समिति 1993, इस समिति का गठन राजनीतिक अपराधीकरण, राजनेताओं, नौकरशाहों, अपराधियों और असामाजिक तत्वों के बीच गठजोड़ को लेकर किया गया था। पॉलिटिक्स जो क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स है, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, राजनीतिक अपराधीकरण, उसी को लेकर सुधार दिया था इन तीनों ने। मलिमत समिति 2003 में बना है, माधव मेनन समिति 2007 में बना है। अगला है, नेग्रेलिया फाउलेरी क्या है ये? तो ये एक मस्तिष्क खाने वाला अमीबा है, एक अमीबा है, ब्रेन ईटिंग अमीबा, याद है न्यूज़पेपर में बहुत ज़्यादा चर्चा में था, ब्रेन ईटिंग अमीबा, वही है ये। क्या नाम है इसका? नेग्रेलिया फाउलेरी,
नेग्रेलिया फाउलेरी नाम है इसका, ये ब्रेन ईटिंग अमीबा है। नेग्रेलिया फाउलेरी के बारे में अब जरा तीन स्टेटमेंट वाला भी कर लेते हैं। यह ठंडे पानी के वातावरण में पाए जाने वाला मस्तिष्क खाने वाला अमीबा है। इसे केवल सूक्ष्मदर्शी से ही देखा जा सकता है। इसे प्राथमिक अमीबिक मेनिंगो एन्सेफलाइटिस हो सकता है। PAM इसको कहा जाता है। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? निश्चित तौर पर आपको इसमें दिक्कत हो रहा होगा, सी हो जाएगा, दूसरा तीसरा सही है। हाल ही में केरल के अलपुझा जिले में एक व्यक्ति की नेग्रेलिया फाउलेरिया नामक एक दुर्लभ संक्रमण से मृत्यु हो गई। तेज बुखार, अंगों के काम करना बंद करने के एक सप्ताह के बाद उसकी मृत्यु हो गई। ब्रेन ईटिंग अमीबा अगर है तो ब्रेन के सेल को अगर नुकसान पहुंचाएगा तो सबसे पहले आपके शरीर का अलग अलग अंग काम करना बंद कर देते हैं। नेग्रेलिया फाउलेरिया जिसे आमतौर पर दिमाग खाने वाला अमीबा के रूप में जाना जाता है, एक सिंगल कोशिकीय जीव है जो झीलों, तापीय झरनों और खराब रखरखाव वाले स्विमिंग पूल जैसे गर्म मीठे पानी के वातावरण में पाया जाता है। इसीलिए पहला गलत था, पहला में लिखा हुआ था ठंडे मीठे पानी, गर्म पानी वाले स्रोत जो होते हैं, गर्म वाले इलाके, वहीं पर ही अक्सर पाया जाता ब्रेन ईटिंग अमीबा। भारतीय सेना प्रमुख के रूप में किसको? तो उपेंद्र द्विवेदी जी को नियुक्त किया गया है। इसका उत्तर ए हो जाएगा। भारत के वर्तमान वायुसेना प्रमुख कौन है बंधुओं? तो इसका उत्तर बी हो जाएगा, विवेक राम चौधरी हैं। अगर कुछ परिवर्तन होता है तो जरूर उसको बताइएगा मुझे। भारत के वर्तमान सेना प्रमुख कौन है? तो दिनेश कुमार त्रिपाठी जी हैं। तीनों को प्रमुख मैंने करवा दिया आपको। हाल ही बस्टर्ड संरक्षण चर्चा में था, इसे कब लॉन्च किया गया था? सब जगह पर कब को कहां लिख दिया है गूगल ने। इसका उत्तर हो जाएगा बी, 2013 में। इंडियन बस्टर्ड जो होता है जिसको सोन चिड़ैया कहा है, तो कितनी बार मैंने पढ़ाया है, अब कुछ 100 में बच गए हैं बस, वो ख़त्म ही हो जाएंगे कुछ दिनों में अगर हम उनका संरक्षण नहीं करेंगे तो। इसका 2013 हो जाएगा। किस इलाके में पाया जाता है ब्रस्टर्ड? तो ये राजस्थान और सूखे भाग जो हैं उनमें पाया जाता है। नवनिर्वाचित लोकसभा कौन सी है? कौन सी लोकसभा है अभी? तो वर्तमान में 17वीं लोकसभा काम कर रही है। संसद की संयुक्त बैठक क्या है? तो भारतीय संसदीय प्रणाली मुख्यतः दो प्रकार की संयुक्त बैठकें होती हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 87 में स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को कब संबोधित करते हैं। 44 का आंसर हो जाएगा सी, दोनों के दोनों यहां पर कथन सही है। संसद में संसद के दोनों सदन लोकसभा राज्यसभा एक साथ मिलते हैं। संविधान के संयुक्त बैठकों के प्रकार होते हैं कौन कौन से? भारतीय संविधान प्रणाली मुख्य दो प्रकार की संयुक्त बैठकें होती हैं। पहला अनुच्छेद 87 के तहत राष्ट्रपति का अधिभाषण है और दूसरा किसी विधायी गतिरोध के मामले में। भारत के संविधान में दो बार संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है। पहला है कि राष्ट्रपति जी हर इलेक्शन के पश्चात और हर नए साल बजट सत्र के पश्चात, बजट सत्र की शुरुआत में राष्ट्रपति जी अपना अधिभाषण देते हैं। तो राष्ट्रपति जी का अधिभाषण के समय संयुक्त सदन होता है। उसके बाद किसी जनरल एक्ट को लेकर संयुक्त सदन हो सकता है, धन विधेयक को लेकर संयुक्त सदन नहीं बैठ सकता है और संविधान संशोधन विधेयक को लेकर संयुक्त सदन नहीं बैठ सकता है। संयुक्त सदन जब भी बैठता है तो लोकसभा को अधिक शक्तियां मिल जाती हैं क्योंकि लोकसभा में मेंबर की संख्या जो है वो ज़्यादा है, ठीक है। और संयुक्त सदन की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करते हैं। किस देश के वैज्ञानिक अवैध शिकार को रोकने के लिए गैंडे के सींगों को रेडियो धर्मी बना दिया है ताकि अगर उसके गैंडे के मार भी देंगे तो उसका सींग आप कुछ नहीं कर सकते हैं, उसका सींग जो है रेडियो एक्टिव है, वो गैंडे को तो नुकसान नहीं पहुंचाएगा लेकिन कोई उस सींग को अगर ले जाते अपने घर तो उनको जरूर नुकसान हो जाएगा। तो दक्षिण अफ्रीका में एक कारनामा किया गया है। अगला सवाल है, गैंडे की कुल 5 प्रजातियां हैं। एक सींग वाला गैंडा गैंडों की प्रजातियों में सबसे बड़ा है। भारत में केवल काला गैंडा पाया जाता है। कौन सा कथन सही हो जाएगा? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा बी, यहाँ पर पहला और दूसरा सही है। भारत में केवल काला गैंडा नहीं, गैंडे कुल 5 प्रजाति हैं। अफ्रीका में सफेद काले गैंडे, बड़े एक सींग वाले गैंडे, एशिया में जवान और सुमात्रा गैंडे, जावा गैंडा और सुमात्रा गैंडा। आयुषियन रेल लिस्ट की स्थिति, काला गैंडा गंभीर रूप से संकटग्रस्त है, सफेद भी गंभीर रूप से संकटग्रस्त है, एक सींग वाला असुरक्षित है, वल्नरेबल, जावा वाला गंभीर रूप से संकटग्रस्त है, सुमात्रा गैंडा गंभीर रूप से संकटग्रस्त है। भारत में केवल एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है। एक सींग वाला गैंडा भारतीय गैंडा गैंडों के प्रजातियों में सबसे बड़ा गैंडा होता है। गैंडा रोइनो देखा होगा अंग्रेजी मीडियम वाले, है ना, कहाँ पर? तो काजीरंगा, मानस, इन इलाकों में, नॉर्थ ईस्ट के भागों में पाया जाता है। एक समय था, आज नहीं, बहुत साल पहले मतलब हजारों साल पहले, कि पूरे उत्तर भारत में गैंडे पाए जाते थे, ठीक है। एक सींग वाले जानवर की हमें चर्चा मिलती है ना हड़प्पा के मुहरों पर, कहाँ से मिलती है? रटने के अलावा कभी सोचेंगे तो पता चलेगा आपको।
वित्तीय कार्रवाई बल की स्थापना कब की गई थी, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की, तो इसका उत्तर हो जाएगा बी 1989 में। FATF वैश्विक धन शोधन को लेकर काम करता है, इसकी स्थापना 1989 में की गई थी। G7 के देशों ने बैठक करके किया था इसकी स्थापना। 2001 में संयुक्त राज्य अमेरिका पर 11 सितंबर को हमले के पश्चात से इसका क्षेत्र विस्तार कर दिया गया। सचिवालय कहाँ है, सचिवालय इसका पेरिस में है। अभी जो OECD पढ़ा था ना, OECD उसी के मुख्यालय के भीतर में इसको एक कमरा दे दिया बैठने के लिए, तो वही है इसका, पेरिस में ही है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT के बारे में अगला सवाल पूछा गया है। यह केंद्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम 1963 द्वारा स्थापित एक वैधानिक प्राधिकरण है या वित्त मंत्रालय का अधीन है, इसका उत्तर हो जाएगा सी, दोनों को, दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही दिया हुआ है। समुद्री शैवाल मूल्य श्रृंखला के लिए विकास के लिए रणनीतिक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है, समुद्री शैवाल मूल्य श्रृंखला को लेकर विकास के लिए रणनीतिक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है, नीति आयोग के द्वारा। इसको इंग्लिश में भी देख लेते हैं हम लोग, इंग्लिश में इसको कहा जाता है स्ट्रेटजी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सीवीड वैल्यू चेन रिपोर्ट इज इशूड बाई नीति आयोग। और यही था इस PDF का सबसे आखिरी सवाल, ये PDF भी एंड कर दिया है मैंने। अब आपको अक्टूबर का और सितंबर का मैं करंट अफेयर करवा दूंगा जल्द ही, और उसके पश्चात आपका करंट अफेयर एंड हो जाएगा। अभी तक हमने जुलाई तक के सारे करंट अफेयर कर लिए हैं, जनवरी से लेकर जुलाई तक के। इससे पिछले वाले वीडियो में आपको जनवरी वगैरह सब सारे मिल जाएंगे। तो जनवरी से जुलाई तक का करंट अफेयर हमने 24 वीडियो करीब में अपलोड हो जाएगा, 24 वीडियो में किया है, और इससे आगे के 2 महीनों का करंट अफेयर भी मैं आपको जल्दी कंप्लीट करवा दूंगा। थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए।